आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए होटल ढाबे जैसा मटर पनीर की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, वो भी बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत कम समय में। मटर पनीर बनाने का यह तरीका बहुत ही आसान है, स्वाद तो ऐसा कि आपसे सब मांग मांग कर खाएंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज को अच्छी तरह से बारीक काट लिए हैं। 1 कटोरी फ्रेश हरा मटर ले लिए हैं। 2 टमाटर को धो करके अच्छी तरह से काट करके ले लिए हैं। 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च लिए हैं। 200 ग्राम पनीर है। पनीर को काट करके हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। आप पनीर का जिस साइज का टुकड़ा चाहें उस साइज का टुकड़ा आप काट लें, बड़ी या छोटी आप पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर गैस ऑन कर दिए हैं, उस पर चढ़ा दिए हैं कुकर। कुकर को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब उसमें डाल दें 1 कप तेल, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे डाल करके एक बार मिला देते हैं, जिससे कि हल्दी और मिर्च जले नहीं। कुकर में डालते हैं कटा हुआ पनीर। पनीर को डाल करके हल्का इसे भूनते हैं। ऊपर से हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का इसे गोल्डन करना है। अगर आपको भुना हुआ पनीर नहीं पसंद है या ज़्यादा तेल नहीं पसंद है, तो आप बिना भुने पनीर को भी मटर में डाल करके मटर पनीर बना सकते हैं। अब यहाँ डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ आधा चम्मच से भी कम नमक डाले हैं। अब देखिए यह पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है, हल्का सा ऊपर में गोल्डन हुआ है। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, तो देखिए भुना हुआ पनीर कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब कुकर में डालते हैं फिर से 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म करते हैं, थोड़ा सा धुआं आ गया है। अब इसमें डालते हैं 2 तेजपत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च जिसे हम बीच से तोड़ देते हैं। अब इसमें डालते हैं कुछ गरम मसाले, यानी साबुत गरम मसाले। तो देखिए यहाँ पर 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और आधा चम्मच जीरा। आपके पास में जो गरम मसाला है आप वही डालें। साबुत गरम मसाला डालने से ग्रेवी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब डाल दें यहाँ पर कटा हुआ प्याज। प्याज डाल करके इसे थोड़ी देर भूनते हैं, जब तक कि यह सॉफ्ट न हो जाए। अब यहाँ पर लहसुन अदरक और हरी मिर्च का हम दरदरा सा पेस्ट बना लिए हैं। अब देखिए प्याज हल्का सा भुना गया है। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे डाल करके थोड़ा सा चलाते हैं। अब डालते हैं इसमें टमाटर। टमाटर डालते ही डाल दिए नमक। नमक टमाटर जैसे ही जाएगा, नमक जाएगा ही। तो अब देखिए इसे चला देते हैं और ढक करके इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, क्योंकि टमाटर को हमें यहाँ पकानी बहुत ही ज़रूरी होती है, नहीं तो टमाटर ग्रेवी का स्वाद खराब कर देता है। अगर टमाटर पक जाती है अच्छे से तो ग्रेवी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसे ढक करके पकाए हैं, तो देखिए इसे ढक्कन खोलते ही अब हम इस टमाटर को थोड़ा थोड़ा सा कुचल देते हैं। ऊपर आपको निकाल करके एक टमाटर दिखाते हैं, तो देखिए टमाटर पूरी तरह से गल चुका है। अब इसे एक कलछी लेते हैं और थोड़ा सा इसे मसलते हैं, जिससे कि प्याज टमाटर लहसुन अदरक सभी थोड़ा सा मिक्स हो जाए, जिससे कि भुनने में भी आसानी हो और ग्रेवी भी बढ़िया बने। तो देखिए इसे हम इस तरह चला दिए। अब डाल दिए सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल, 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब डाल देते हैं इसमें मटर। मटर डाल करके इसे 1 मिनट तक चलाते हुए पका लेते हैं। उसके बाद इसको ऊपर से ढक्कन रख करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाते हैं, ताकि मटर का जो है कच्चापन निकल जाए और मसाले का फ्लेवर भी आ जाए। तो देखिए अब ढक्कन खोलते हैं तो मटर का कलर भी चेंज हो गया है और मसाले में से तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं, ताकि मसाले नीचे में बैठे नहीं। इसे मिलाने के बाद अब इसमें डालते हैं ग्रेवी। ग्रेवी आप यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार डालें, लेकिन मटर पनीर में अगर कम ग्रेवी डालेंगे तो मटर पनीर अच्छी बनेगी। अब इसे पानी डालने के बाद इसे फिर से मिला देते हैं और इसमें डाल देते हैं भुना हुआ पनीर। पनीर डाल करके फिर इसे मिला देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। उसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और पूरी तरह से कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर का ढक्कन खोलते ही देखिए कितनी सुंदर मटर पनीर बहुत ही कम समय में एक ही बर्तन में बनके तैयार है। तो इसमें डाल दिए थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब इसे मिला देते हैं और यह सर्व करने के लिए तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।